ये हैं दबंग बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह। लोग इन्हें राजा भैया के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। कुंडा से लगातार पांचवी बार विधायक बने हैं राजा भैया। कुंडा के राज परिवार से आते हैं राजा भैया, लेकिन राजा के परिवार से आने वाले राजा भैया से यूपी की प्रजा परेशान है। समाजवादी पार्टी के करीबी रहने वाले राजा भैया हमेशा ही विवादों में रहे हैं। फिलहाल राजा भैया यूपी के खाद्य मंत्री हैं। राजा भैया सबसे पहले 1993 में कुंडा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया को जेल के अंदर भेजा था। मायावती सरकार ने बाद में राजा भैया पर आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा भी लगा दिया था। लेकिन एक साल बाद साल 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार आते ही राजा भैया पर से पोटा हटा लिया गया। मुलायम की मेहरबानी से राजा भैया जेल से बाहर आए और साल 2005 में मुलायम सरकार में खाद्य मंत्री बने। राजा भैया, उनके घर पर छापा मारने वाले पुलिस ऑफिसर आरएस पांडे की सड़क हादसे में मौत मामले में भी संदेह के घेरे में रहे हैं। साल 2007 में मायावती के सत्ता में आने के बाद राजा भैया पर माया सरकार की खास निगरानी रही। पिछले साल जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो राजा भैया को जेल मंत्री के साथ खाद्य मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन इसी साल फरवरी में हुए मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में अखिलेश यादव ने राजा भैया से जेल मंत्रालय तो ले लिया, लेकिन बाकी मंत्रालय उनके पास अब भी हैं।